नॉमिनेशन को लेकर अभिषेक और मनीषा में हो गई है बड़ी आर्ग्यूमेंट। आखिर ऐसा क्या हो गया नॉमिनेशन टास्क में कि सबसे अच्छे दोस्तों के बीच में ही आर्ग्यूमेंट हो गई? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, घर में चल रहा है नॉमिनेशन टास्क और जिया कैप्टन होने के नाते सेफ हैं, और वहीं अभिषेक को जनता ने सेफ किया है, जिसके बाद इन दोनों के हाथ में है बड़ी पावर कि सभी कंटेस्टेंट आएंगे अपनी एक पर्सनल सामान लेकर किसी भी सदस्य को नॉमिनेट करने, और इन दोनों को डिसाइड करना है कि वो किसका सामान चुनते हैं और किसका रीज़न चुनते हैं एक लोग को नॉमिनेट करने के लिए। तो पहले राउंड में तो हो गई थी बेबी का नॉमिनेट, वहीं दूसरे राउंड में फलक ने अपनी फैमिली फोटो लेकर आई और मनीषा को नॉमिनेट करने के लिए कहा। उनका कहना था कि मनीषा ने एक पर्सपेक्टिव बना लिया है मेरे बारे में और वो उसे बदलना नहीं चाहती। तो जिसके बाद अभिषेक का मानना था कि फलक दीदी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सामान वो लेकर आई, मैं कैसे किसी और का शैम्पू कंडीशनर या फिर चश्मे चुन लूँ। जिसके बाद सेकेंड राउंड में मनीषा नॉमिनेट हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती हैं अभिषेक से। अभिषेक का कहना है कि तुम ही बताओ, कोई सामने फैमिली फ़ोटो लेकर खड़ा है तो मैं कैसे कह दूँ कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मनीषा का वही कहना था कि माँ बाप की फ़ोटो मैं भी लाना चाहती थी लेकिन मुझे ले ही नहीं आने दिया गया, तो मैं कैसे उसे लेकर आऊँ, लोग माँ बाप को दिल में रखते हैं। बेबी का कह रही थी कि तू पर्सनल ग्रजेस निकाल ला है। वहीं अभिषेक का कहना है, अगर पर्सनल ग्रजेस की बात है तो मैं मनीषा को तो कभी नॉमिनेट नहीं करता, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मनीषा का कहना था, मुझे नॉमिनेशन से डर नहीं लगता। अभिषेक का ये भी मानना है कि अगर बंदा सही है तो जनता तो बचा ही लेगी। आपका क्या मानना है हमें कॉमेंट्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।